चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेक्ट रिलेशन कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो जैसे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, अर्थ को मैंने बना दिया, मान लो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और आप खड़े हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, बी एच ये हो गया ग्राउंड के पैरेलल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ग्राउंड के परपेंडिकुलर वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब ये एंगल थीटा है तो ये बीवी है, ये डायरेक्शन बीवी है तो ये भी बीवी होगा, बीवी इसको हम ऐसे लिखते हैं बीवी। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है बी, बी का स्क्वायर, बेस क्या है बी एच, बी एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बीवी, बीवी का स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। अच्छा साइन थीटा यहाँ क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होगा। साइन थीटा टैन थीटा और टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये वैल्यू उसकी हो गई और तीनों में ये रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।